बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। आज हम सब मिलके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन डोनर्स। बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाते हैं। और ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और ये मज़ेदार से चिकन डोनर्स बनाने के लिए 300 ग्राम चिकन ली थी बोनलेस और उसका मिंस कर लिया है। साथ ही एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लेंगे। एक बोल लेंगे, उसमें चिकन मिंस शामिल कर देंगे और आलू शामिल कर देंगे। आलू को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, फिर चिकन के साथ मिक्स किया है। साथ ही 1 कप मोज़रेला चीज़ शामिल कर दिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो और भी ज़्यादा इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं। 1 कप हरा धनिया शामिल किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल किया है और सॉल्ट डालेंगे 2 टेस्ट। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, रोस्टेड और क्रश करके क्यूमिन सीड डाला है 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छी से खुशबू आएगी। रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून। तो सॉल्ट और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। 1 टीस्पून अनियन पाउडर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपके पास अगर अनियन पाउडर नहीं है तो अनियन पेस्ट शामिल कर लें इसके अंदर 1 टीस्पून। और अब हम इसको शेप देंगे। तो मेरे पास ये डोनट का मोल्ड था तो मैं इसमें शेप ले लूँगी कुछ, और आपके पास नहीं है तो आप हाथ से ही इसको बना लेंगे। तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे। और छोटे या बड़े साइज़ के आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनका साइज़ बना सकते हैं। और हाथ से बनाना है तो एक बोल बना देंगे और फिर उसको टिक्की या कबाब का शेप देंगे और बीच में से कटर से काट देंगे, तो उससे भी डोनट की शेप बन जाएगी। यहाँ डोनट रेडी कर लिए हैं, अब इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। डोनट्स की कोटिंग के लिए 2 अंडे लिए हैं, उसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल किया है। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। अब इस मोल्ड में से डोनट्स निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगे। और फ्रीज हो गए हैं तो इसकी वजह से बहुत आसानी से ये कोटिंग भी हो जाएगी इन पर। तो पहले एग के मिक्सचर में हम इन्हें कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे। सारे डोनट्स को इसी तरीके से एग और ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करते जाएंगे और एक प्लेट या ट्रे में थोड़े गैप से रखते जाएंगे। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इन्हें फ्रीज कर सकते हैं और जब भी सर्व करना हो निकाल के फ्राई करके सर्व करें, या उसी वक्त आप इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ डोनट्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। इतना हमें इन्हें फ्राई करना है कि प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए इन पे। और इन पे गोल्डन कलर आ गया है, अब इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से चिकन डोनट्स बनके रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, चीज़ी हैं, तो बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिएगा।
फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।